हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वीके फिर आया हूँ दोस्त एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लाएंगे जीलियो की ईवा जेड एक्स प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो आपके सामने हाजिर है, चलिए जानते हैं कि क्या इसमें फीचर्स मिलेंगे, कितनी टॉप स्पीड मिलेगी, कितनी रेंज मिलेगी दोस्तों, एंड कितनी आपको ये ऑन रोड प्राइस पड़ेगी, और क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है या फिर इसके अलावा भी ऑप्शन है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लुक्स एंड डिज़ाइन की। तो बहुत ही यूनिक एंड स्टाइलिश लुक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दे दिया गया है, यानी कि इस प्राइस रेंज में अब तक ऐसी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं आई है जो इतना प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हो, फ्रंट से भी एज वेल एज बैक से भी। एंड इसमें आपको इसकी हेडलैम्प में ही दोस्तों एक प्रोजेक्टर लाइट मिलेगी और DRL लाइटनिंग मिल जाएगी, जो कि इसकी लुक्स को और ज़्यादा एनहांस करती है। अब चलते हैं दोस्तों फीचर्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाएगा, पार्किंग मोड मिल जाएगा दोस्तों, एंड आपको इसमें डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, एंड अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसकी बैटरी की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको दो तीन प्रकार की बैटरी मिलती है, पर दोस्तों आज हम लिथियम आयन वाली बैटरी की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 60 वॉट की लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कितनी रेंज एंड कितनी टॉप स्पीड प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 65 टू 75 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज दे देगी दोस्तों, एंड ये आपको ट्रू रेंज बता रहा हूँ। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 62 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी बूट स्पेस की तरफ। तो फ्रेंड्स, 22 लीटर का बहुत अच्छा इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 5 घंटे में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 साल की बैटरी की वारंटी मिल जाती है। एंड दोस्तों, इसके कलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 4 बहुत ही शानदार कलर मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है वाइट, सेकेंड है ब्लैक, थर्ड है ग्रे एंड फोर्थ है ब्लू। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस की। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 65,000 रुपये की ऑन रोड पड़ जाएगी, एंड प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस इसके। तो फ्रेंड्स, कल आपके लिए हम एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाले हैं जो सबसे सस्ती है, बट उसमें आपको सबसे ज़्यादा रेंज मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर की जानकारी तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।